भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरकार T20 फॉर्मेट में वापसी हो गई है। दोनों की यह वापसी करीब 14 महीनों बाद हुई है। रोहित और विराट को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की घरेलू T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह मिली है। रोहित को कप्तान बनाया गया है, जबकि चोटिल हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव सीरीज से बाहर है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। भारतीय टीम को इसी साल जून में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। इस बड़े ICC टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी T20 इंटरनेशनल सीरीज भी है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम को अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, फिर इंडियन प्रीमियर लीग खेला जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड कप ही होना है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सीरीज के जरिए भारतीय टीम वर्ल्ड कप का बिगुल फूंक देगी। रोहित और कोहली की वापसी यह बताती है कि उन्हें भी वर्ल्ड कप में जगह मिलना तय है। वर्ल्ड कप से पहले यह भारतीय टीम की आखिरी T20 सीरीज होगी। भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मैच 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा और बेंगलुरु का M. चिन्नास्वामी स्टेडियम T20 सीरीज के आखिरी मैच की मेजबानी करेगा।